किसानों की आमदनी डबल करने के इरादे से काम कर रही है। इसके लिए किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, साथ ही बागवानी अभियान से जोड़कर उनकी आमदनी बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है। आम की बागवानी से खूंटी के किसान अब खुशहाल हो रहे हैं। तोरपा ब्लॉक के हुसीर चटकपुर के किसानों को कृषि विभाग ने प्रशिक्षित किया, जिसके बाद 58 परिवारों ने 42 एकड़ खेत में इंटीग्रेटेड फार्मिंग की शुरुआत की है। किसान पौधारोपण के साथ साथ सब्जी की खेती कर अपनी आय बढ़ाने में लगे हैं। 8-10 हजार रुपए की लागत से 50 हजार से लेकर 1 लाख रुपए तक की आमदनी हो रही है। बिरसा मुंडा बागवानी अभियान से जुड़ने वाले किसानों की आमदनी 3 साल में दोगुनी हो जाएगी। के तहत मिलता है, जो कि मजदूरी को लाभ है और उसके बीच में खेती भी करते हैं, पटावन का भी सुविधा होता है, उसका भी मजदूर को पैसा मिलता है। बिचौली में खेती बाड़ी तो हम लोग करते ही थे, लेकिन जो बागवानी अभी हम लोग कर रहे हैं, वो बागवानी में अभी बागवानी भी कर रहे हैं और उसमें सब्जी का हम लोग खेती भी कर रहे हैं। इस प्रकार से किसान लोग का आमदनी और आय भी मतलब आ रहा है। रघुवर सरकार की योजना और किसानों की मेहनत रंग ला रही है। बागवानी के साथ साथ साग सब्जी की खेती से किसानों की कमाई बढ़ गई है। अब तक पूरे जिले में 500 एकड़ से ज्यादा जमीन पर किसानों ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग को धरातल पर उतारा है। मनरेगा के तहत किसानों को सरकार मजदूरी भी दे रही है। महिला मंडल के तरफ से जो ट्रेनिंग मिला है, उसमें हम लोग आम बागवानी किए। आम बागवानी में हम लोग लाइन लाइन में किए हैं, 5 मीटर दूरी में एक पौधा लगाते हैं, तो बीच में जगह मिलता है हम लोग का, उसमें हम लोग सब्जी खेती करते हैं। उसमें बैगन सब, मिर्चिया, टमाटर, गोभी सब लगाए हैं और बागवानी भी हो रहा है और उसमें सब्जी खेती भी हो रहा है, तो हम लोगों का डबल फायदा हो रहा है। ऐसे तो सरकार का सोच है, हमारे सरकार का, कि वो कुछ ही में सालों में दो गुना खेती करने का, मतलब दो गुना फायदा, वो ऐसा सोचे, दो गुना नहीं हम लोग 4 गुना फायदा कमा लेंगे। रघुवर सरकार की कोशिश है कि बागवानी मिशन में हर पंचायत के किसानों की भागीदारी हो, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।